देखें नाजरीन कि सांप इस वक्त मेरे गले में है, तो इससे साबित है कि अगर मुझे कुछ नहीं कह रहा तो किसी को भी कुछ नहीं कहता है ये सांप। वैसे मैं डर गया हूँ। मतलब तो इतना साइज इनका हो जाता है कि अगर इंसान को लपेट लें तो 2 मिनट में मार देते हैं। इनके अंदर 400 किलो की क्रशिंग पावर होती है। 5 स्पीशीज हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं, कुल मिला के 5 जिनमें जहर होता है। मैं गिन के उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। दोस्तों आपने एक देखा होगा हमारे बाज़ारों में, हमारी गलियों में, हमारे चौकों चौराहों में जोगी हमें मिलते हैं। वो जोगी होते हैं जिनके पास एक छोटा सा सांप होता है वो पटारी में, और उनके हाथ में बीन होती है और वो आपको बताते हैं कि जनाब ये हमने सांप को पकड़ा है। और वो जोगी किस तरह के होते हैं, उनके सर पे एक पगड़ी होती है वो जो हर साल बाद वो धोते हैं। उसके बाद नहाने से वो अक्सर गरीज़ा होते हैं, कई कई माँ वो नहाते भी नहीं हैं, और जितने ज़्यादा मैले होंगे देखने वाला कहता है कि ये उतना ही बड़ा जोगी है, यानी कि उतना बड़ा जोगी है जितना ज़्यादा उसके ऊपर मैल है। और वो आपको बताते हैं जी हमारे पास ये एक मनका है, फलां का, और इस तरह की बेशुमार बातें उन लोगों ने मशहूर की हुई हैं। लेकिन आज एक ऐसा जोगी जो सांप पकड़ता भी है, सांप बेचता भी है और सांपों के साथ खेलता भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो डेली नहाता भी है। आज मेरी बात को डेली नहाते भी हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यानी कि मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई मोमिन शेख साहब। मोमिन शेख साहब सांप पालते हैं, सांप पालने को शौकीन है, इसके अलावा और भी जानवर पालते हैं, लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे लगी जिसको डिस्कस किया जाए वो सांप है। अभी आप देख रहे हैं इनके पास 2 सांप हैं। तो आज सांपों के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके शौक़ के बारे में, और सांप हैं क्या, करते क्या हैं, और आज हमसे इनसे ये भी पूछेंगे कि 100 साल के बाद जब ये इनके सांप इंसान बन जाएंगे तो ये इनसे क्या काम लेंगे। तो सबसे पहले मोमिन भाई को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अमीन भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। तो मोमिन भाई ये जो शौक़ है आपका, जी भाई, आपको पता है कि 22 करोड़ अवाम में से मेरे ख्याल 22 लोगों को भी ये शौक़ नहीं है, आप गिने चुने लोगों में शामिल होते हैं। जी ये मुझे इल्म है। अच्छा जी, जी। तो कैसे ये शौक़ आपको पड़ा ये सांप पालने? जी ये शौक़ एक बचपन की दास्तान है, बचपन में शुरू हुई ये चीज़। अच्छा। छोटा था मैं तो हमने ये साथ घर के एक प्लॉट खरीदा। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने उसमें भल डलवाई, भल फर्टाइल मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो उस भल के अंदर से ना अक्सर छोटे छोटे काले रंग के ना, जिनको हम सपोले बोलते हैं कि ये सांप का बच्चा है, लेकिन वो सांप का बच्चा नहीं होता, असल में वो पूरा ही एक सांप होता है जिसको ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक बोला जाता है। जी ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ से ना वो निकलने, और मैंने उनको माचिस की डब्बियों में इकट्ठा करना, ये मैं अपनी छोटी उम्र 6-8 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ आपको। और आपने उनको, अच्छा वो जो सांप है वो बेज़रर है? जी वो बेज़रर होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने निकलना, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि जी बेज़रर होते हैं, मेरा शौक था तो मैंने पकड़ लेना। ऊपर से छोटा सा मुँह होता है, उन्होंने काटना भी क्या होता है आपको, तो मैं इकट्ठे करता था। वहाँ से एक बस शौक डेवलप हुआ। फिर एक बंदा मुझे मिला, मतलब एक दुकान पे गया, मछलियों की दुकान थी, और उधर एक एक्वेरियम के अंदर ना छोटा सा सांप पड़ा हुआ। अच्छा। तो बस जी वो पहला ज़िंदगी का सांप था जो मैंने ख़रीदा, और फिर चल आज ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजर गया इन सांपों के साथ। आप माशाल्लाह सांपों की वजह से आज जी दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मेरे चैनल पे तो आज इनका जो इंटरव्यू अभी हम कर रहे हैं, इससे पहले भी मैं 2-3 बड़े चैनलों पे भी इनके इंटरव्यूज़ देख चुका हूँ सांपों के साथ। अच्छा मोमिन भाई के कभी डर नहीं लगा आपको इनसे? ये देखें ना, इसकी एक ऐसा जानवर है जिससे तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही डरता है। डर जी अल्लाह की ज़ात से लगता है, और ये अल्लाह की ज़ात की बनाई हुई एक मखलूक है, तो हम इनकी इत्यात, इनसे प्यार करते हैं और डरते नहीं हैं। डर हमारा होता है उस वक्त जिस टाइम कोई जहरीली चीज़ हो जिसका हमें ज़्यादा इल्म ना हो कि भाई इसके काटने से क्या होगा, तो हम उसे गुरेज करते हैं हाथ लगाने से, ऐसे। बाकी डर नहीं है इन चीज़ों से होता। अच्छा आप थोड़ा सा ना ज़रा अवेयर करें मेरे दोस्त जो हमें देख रहे हैं। जी जी। कि कौन सा सांप, जो सभी सांप हैं सभी ही जहरीले होते हैं या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जहरीले? जी मैं ये थोड़ी सी आपके व्यूअर्स में एक नॉलेज की बात डालना चाहूँगा। दुनिया के अंदर 75% से लेके 80% सांप जो हैं वो बेजरर यानी नॉन वेनमस होते हैं, उनमें जहर नहीं होता। 80% सांप बेजरर होते हैं जिनमें जहर नहीं होता। और 5 स्पीशीज हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं, कुल मिला के 5 जिनमें जहर होता है। मैं गिन के उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्रेट पाया जाता है जिसको हम उर्दू में संगचूर बोलते हैं। संगचूर। ठीक है। उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो है वो आपको पैरालिसिस की तरफ लेके जाता है और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। ठीक है। आपके सांस लेने में दुश्वारी होती है और ये सेकंड से लेके कह लें आप कि मिनट्स की गेम होती है। अच्छा, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे पाया जाता है रसल्स वाइपर, जिसको हम शशकार भी अपनी उर्दू की जबान में बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन रंग का होता है, ऊपर डायमंड नुमा कौड़ियां बनी होती हैं, थोड़ा 4 फुट लंबा होता है वो। तीसरे नंबर पर जहरीला हमारे यहाँ पाया जाता है सॉ स्केल्ड वाइपर, जो अक्सर हम जोगियों के पास देखते हैं, जिसको हम जलेबी सांप करुंडिया बोलते हैं। और वो एकदम से अटैक करता है जी, उड़ के आता है। आप जिसको कहते हैं कि जी उड़न वाला सांप, वो उड़ता नहीं, उसकी छलांग होती है, उसका जंप इतना होता है, बिल्कुल। फिर जो चौथे नंबर पर हमारे यहाँ पाया जाता है जी, वो है इंडियन कोबरा, जो ब्लैक कोबरा भी जिसको हम बोलते हैं, नाजा नाजा साइंटिफिक नेम होता है, उसमें भी न्यूरोटॉक्सिक ब्लैक कोबरा, जिसके ऊपर काफी फिल्में भी बना चुकी हैं लोग जी, अल्लाह को भला करे, जो कि जी लोग प्रेफर करते हैं कि जी ये वो सांप है जिसकी अगर आप नर को मार दो तो मादी बदला लेती है, और अगर तो ये 100 साल का हो जाए तो इंसान बन जाता है, इच्छाधारी नाग बन जाता है। कोबरा के बारे में ज्यादातर ये मिथ्स मशहूर है जी, ठीक है। और फिर 5वें नंबर हमारे सिंध में एक पाया जाता है हॉर्न वाइपर, दैट इज द मोस्ट डेडली स्नेक, क्योंकि रेगिस्तान के जितने सांप होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो जो हॉर्न वाइपर है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो सिंध वाली साइड पे ज्यादातर पाया जाता है, सिंध की डेजर्ट्स में। ये टोटल 5 सांप हैं जो हमारे पास जहरीले हैं, बाकी जितने सांप हैं वो कीड़े नुमा हैं जी। अच्छा, मतलब कह लेंगे वो आपको काटेंगे तो आप जख्मी होंगे थोड़ा बहुत, बस। अच्छा जी, खौफ से ना मर जाए। ज्यादातर मैं वही आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि 85 to 90% पीपल इन द वर्ल्ड, उनको एक डर लगता है कि दिल का दौरा पड़ जाता है, उनको अटैक से मर जाते हैं, अटैक से मर जाते हैं कि जी वो सब कट गया, सब कट गया। उनको पता ही नहीं है चीज का कि जी एंड जहर हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है, वो उस डर से मर जाते हैं, उस खौफ से मर जाते हैं कि जी सांप काट गया बस हमें तो। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में इनकी सांपों की वैसे टोटल कितनी किस्में पाई जाती हैं? 5 तो हैं जो जहरीली हैं, 5 जहरीली हैं, और टोटल कुल मिला के हमारे पाकिस्तान में 130 से 35 किस्में पाई जाती हैं। अच्छा, ठीक है। और उन 130 से 35 सांपों में सिर्फ 5 जहरीले पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो ये पता है कि जिसकी हर सांप जहरीला है, और बल्कि वो कुछ और जानवर जिनकी शक्लें सांप जैसी हैं जी, और हम उनको भी मारने पे तुले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसा है कि ये जो आपने जो अभी आपके साथ जी, खेल रहे हैं जी जी, ये आपके बड़े अच्छे दोस्त लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल जी, ये मैंने छोटे छोटे बच्चे पाले हुए हैं। अच्छा, अब बड़े हो गए, ये फुल जवान है? नहीं नहीं जी, ये 20-20 फुट तक जाएंगे माशाल्लाह जी। इनको क्या कहा जाता है, इनकी क्या? ये सर इंडोनेशियन स्पीशी है, जिसको हम रेटिकुलेटेड पाइथन दोनों ही जी, दोनों ही इंडोनेशियन स्पीशीज हैं, जिनको हम रेटिकुलेटेड पाइथन बोलते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन जो ज्यादातर पाए जाते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जिसमें आपका मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं, बर्मा वगैरह इस तरह के मुल्क आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में शुमार होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सांपों में शुमार नहीं होते, ये होते ही दुनिया के सबसे बड़े सांप हैं। जो आज तक एवर रिकॉर्डेड बिगेस्ट रेटिकुलेट पाइथन पाया गया था, उसकी लेंथ 30 फीट थी। 30 फीट? हाँ, वो आज भी हनूद हुई हुई उसकी बॉडी चाइना में पड़ी है। ठीक है, 30 फुट लंबी मादी थी वो, फीमेल। अच्छा जी, और ये इन सांपों का भी ये भी रिकॉर्ड है कि ये 2-2 ह्यूमन बींग्स को भी निगल जाते हैं। मतलब इतना साइज इनका हो जाता है कि अगर इंसान को लपेट लें तो 2 मिनट में मार देते हैं। इनके अंदर 400 किलो की क्रशिंग पावर होती है। ठीक है, तो अगर आप खुद सोच लें कि 400 किलो की मशीन है जो दबा रही है किसी चीज को, तो चित देगी वो आपको, कर देगी ना। बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये जो हम सुनते हैं कि सांप इंसान को निगल भी जाता है जी 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 जी, ऐसा कुछ सांप है जो इंसान को निगल जाता है? वो अजदहा, अजगर जिनको हम बोलते हैं, जो पाइथन्स, जो पाइथन नस्ल है ना जी, वो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में शुमार होती है। ठीक है, वो बड़े से बड़ा जानवर निगल जाते हैं। ठीक है, हाँ। इस टाइम एक एपिडेमिक आया हुआ है अमेरिका के अंदर, एवरग्लेड्स, अमेरिका मियामी में, फ्लोरिडा में है, जंगलात, पानी के वेटलैंड्स हैं, उनमें इस टाइम लोगों ने जो शौकिया तौर के ऊपर बर्मीस पाइथन्स खरीदे, बाहर से मंगवाए। ठीक है, उन्होंने उन सांपों को उधर हरिकेन कटरीना वगैरह आए थे 1992-94 में, अगर आपको पता हो अमेरिका में, तो जिन लोगों की रिहाइशों के अंदर सांप थे वो आजाद हो गए। अच्छा। इस टाइम वो उनके जंगलात में इतनी मार कर चुके हैं कि जो उनकी अपनी स्पीशीज जंगलात की थी, यानी मगरमच्छ हो गए, कुछ डिफरेंट स्पीशीज बर्ड्स की थी, कुछ और मतलब मुख्तलिफ रेप्टाइल्स थे, वो बर्मीस पाइथन उन सबको निगल चुका है, वो सब एक्सटेंशन की कगार पे पहुंच चुके हैं, और बर्मीस पाइथन बहुत ज्यादा फैल चुका है जी जी। बिल्कुल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जबान जो फ्लिक करते हैं ना, ये जबान फ्लिक करके जब बाहर निकालते हैं तो ये बाहर की आबो हवा को टेस्ट करके, अंदर इनके दिमाग के जेकबसन्स ऑर्गन्स होती हैं, जो कि साइंटिफिकली बताई गई हुई है कि वो अपनी जबान को उसमें इंसर्ट कर देते हैं। जब वो जबान को उसमें इंसर्ट करते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बाहर खतरा नहीं है। अच्छा, अभी ये मोमिन शेख को जो ये फील कर रही हैं, आपको आंखों से पहचान रहे हैं या नहीं? ये मुझे सेंस कर रही हैं, जो इनकी स्किन है और इनकी जबान है, ये मुझे सेंस कर रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस टाइम इनको खाना डालने का वक्त आता है ना, तो इनका रिएक्शन एक अलग होता है, एक अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, हमला करने वाले मोड में, जब खाना डाल रहा होता है इनको। और जिस टाइम मैं हाथ डालूंगा, मेरे लड़के हाथ डालते हैं, ठीक है, तो ये अपना सर छुपा लेते हैं। क्योंकि उनको पता है अब ये इंसान आया है, इसको हमने क्या ही कहना है, ठीक है। और इंसान भी वही है जो पहले आता है, जो पहले आता है, बिल्कुल। और ये जो रेटिकुलेटेड पाइथन हैं स्पेशली, इनके ऊपर मेरी काफ़ी लंबी रिसर्च है, माशाल्लाह 8 साल हो गए मुझे इनके ऊपर स्टडी करते हुए, ठीक है। तो इनमें अल्लाह ताला की तरफ से एक रिकग्निशन ऑफ ह्यूमंस का कुदरती इनमें एक फितूर होता है कि ये अपने जो मालिक है ना, मालिक उसको पहचान जाते हैं एक टाइम के बाद। काटना बिल्कुल ही मालिक को स्पेशली छोड़ देते हैं ये, ठीक है। और किसी इंसान से डर के काट जाएं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन डर के जब मालिक हाथ डालेगा तो ये अपना सर छुपा जाएंगे। तो देखें नाज़रीन कि सांप इस वक्त मेरे गले में है, तो इससे साबित है कि अगर मुझे कुछ नहीं कह रहा तो किसी को भी कुछ नहीं कहता है ये सांप। वैसे मैं डर गया हूँ तो ठीक है। तो ऐसा है कि अगर किसी दोस्त को शौक हो सांप पालने का, सांप रखने का, तो शौक का पहली तो बात मोल कोई नहीं है। तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, ये मोमिन शेख साहब का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करें और जितनी भी मालूमात आप सांपों के बारे में लेना चाहें और किस इसको किस तरह रखना है, कौन से माहौल में रखना है, ये खाता क्या है, ये पीता क्या है, कब कब खाता है, तो ये आपको इतना गाइड करेंगे कि आप खुद एक जोगी बन जाएंगे, बगैर बीन वाले जोगी, ठीक है। तो मोमिन शेख साहब का नंबर आपके सामने है, इनसे रब्ता करें। और मोमिन भाई, आपने हमें ये सांप दिखाए, मेरे गले में डाला, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला आपके सांपों में बरकत दे। ये देख लें, मेरे जैसा बहादुर दिलेर आदमी, और मैं भी राजपूत चौहान हूँ, आपको पता है, लेकिन फिर भी आज ये हम कहावत सच्ची कर देते हैं, देखो चौहानानु सांप नहीं काट रहे, असल में मैं नहीं लड़ रहा। और ये मुझे शेख साहब ने गारंटी दी है, फिर मैंने अपने गले में डाला। तो नाज़रीन, अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमें इसका फीडबैक दीजिएगा लाजमी कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और आपके हमें कमेंट्स का इंतजार रहता है, और लाइक लाजमी किया कीजिए, क्योंकि लाइक के पैसे नहीं लगते लेकिन हमें हौसला मिलता है आपके लाइक का। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, आई वल्लाह।